जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव के नंद की। सभी प्रेमियों को नमस्कार, राधे राधे। बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हमारे घरों में, किसी के घर में रामायण है, किसी के घर में महाभारत है, किसी के घर में प्यार है तो किसी के घर में द्वेष है, किसी के घर में अपनापन है और किसी के घर में अपनों के रहने के बावजूद भी अकेलापन है। ये सब क्यों है, किस लिए है, इसकी वजह क्या है? आपने देखा होगा महाभारत जैसा युद्ध और रामायण जैसी धरोहर, ये भारत जैसे ही देश में है। ये भारत वो देश है जहाँ एक से एक गुणशील चरित्रवान व्यक्तित्व भरे पड़े हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ अपने हक के अलावा, जो मेरे हक में भी नहीं है, जिस पे मेरा कोई हक नहीं है, उसे भी मैं पा लेने की इच्छा रखता हूँ, जब ऐसी कंडीशन मेरे हक के बिना भी मैं पाना चाहूँ, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो, वहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है। और जो मेरा ही हक है, मैं उसे भी छोड़ के चला जाऊँ, वहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। आज दूसरों के हकों पर नजरें लोग टिका कर बैठे हुए हैं, नजरें गाड़ कर बैठे हुए हैं, कभी ये मरे तो कभी ये मेरा हो, वही तो महाभारत है। हमारे यहाँ तो कहते हैं परद्रव्येषु लोष्टवत्, पराये धन को मिट्टी समझो, लेकिन आजकल तो है कि हम दूसरे के ही धन को अपना धन समझते हैं। ये दुर्भाग्य है। दुर्योधन का हश्र क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, इसके बावजूद भी हम इग्नोर करना चाहते हैं इस चीज को। क्यों क्यों हम हमारे बच्चों को दुर्योधन बनाना चाहते हैं? क्यों हम हमारे चरित्र से ये बता देना चाहते हैं कि अगर राजी से न मिले तो जबरदस्ती छीन लो? अरे छीनोगे तो विनाश होगा। क्यों आप अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, जहां वो लोग अपने भाई के लिए भगवान श्री राम, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, भगवान ने जब ये पहली बार सुना कि हे राम तुमको बन जाना पड़ेगा और भरत को ये राज्य दे दिया गया है, अयोध्या का राज्य दे दिया गया है, तो राम को अपने राज्य का संदेश सुनने का, जब उन्होंने सुना कि राम तुमको युवराज पद दिया जाएगा, वो प्रसन्न नहीं हुए बल्कि दुखी हुए। हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, हम चारों भाई एक साथ खेले, हम चारों भाई एक साथ पढ़े, इवन हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ, लेकिन अकेले मुझे राज्य मिल रहा है ये सोच के राम दुखी हो गए। लेकिन जब पता चला कि राम भरत को राज्य मिलने वाला है आपको वनवास, तो राम प्रसन्न हो गए। भरत प्राण प्रिय, मेरे प्राण प्रिय भैया भरत को राज्य मिलेगा, इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सके। ये है रामायण, छीनना नहीं छोड़ना सिखाती है। आज मेरा मन अशांत क्यों, आज मेरा घर अशांत क्यों, आज मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है? आप खुद सोचिए, दो मिनट सोचिए, आपके घर में दुर्योधन है कि राम है? आपका मन दुर्योधन है कि राम है? एक छीन रहा है, एक छोड़ रहा है, एक जबरदस्ती कर रहा है पा लेने के लिए, महाभारत की तैयारी कर रहा है, और एक बड़े आराम से मुस्कुराते हुए राज्य छोड़कर वन के लिए चला जा रहा है। आपके जीवन का आदर्श कौन है? और फिर दोनों की एंडिंग क्या है? हैप्पी एंडिंग किसकी है? दुर्योधन युद्ध भूमि में बिलख रहा है, मृत्यु की इच्छा कर रहा है, और भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। त्याग करने वाले लोग हमेशा महान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना त्याग कर दीजिए, अपना हक भी छोड़ दीजिए, इतने महान तो हम लोग कलयुग में नहीं हो सकते, हम लोग राम नहीं बन सकते, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, हम लोग राम नहीं बन सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अपने भाई का हक न खाएं। अपने किसी भी रिलेटिव छोड़िए ना, किसी मानव जाति के किसी भी व्यक्ति का क्यों हक मुझे छीनना है?
क्यों उसके ऊपर मुझे बुरी नज़र रखनी है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बुरी नज़र नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे भाग्य का हमको ज़रूर मिलेगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, अपने घर में महाभारत मत बनने दीजिए, अपने घर में रामायण ले आइए, अपने बच्चों को राम बनाने की कोशिश कीजिए। हक छीनोगे तो महाभारत बनेगा, हक छोड़ दोगे तो रामायण बनेगी। इट्स योर डिसीजन, इट्स अप टू यू व्हाट एवर यू वांट। लेकिन अच्छा होगा, कुछ अच्छा पाइए, कुछ अच्छी कोशिश कीजिए। अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।